छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में लंपी स्किन रोग से एक भी मवेशी पीड़ित नहीं है, पर इधर दुर्ग में लंपी स्किन रोग के लक्षण वाले 3 मवेशी देखे गए हैं। वहीं रोग के होने की संभावना और उसके लक्षणों को देखकर स्थानीय प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि ये वायरस मक्खी और मच्छरों ने एक गौवंश से दूसरे गौवंश में फैलता है। इस रोग से ग्रसित ऐसे 3 गौवंश दुर्ग के खंडेलवाल कॉलोनी में सड़क पर घूमते देखे गए हैं। वहीं कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने लंपी रोग के बताए गए लक्षणों से मिलते जुलते लक्षण इन मवेशी में देखे गए हैं। देखिए, पहले तो बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी केमिकल के, अगर हम ये चाहते हैं कि बिना किसी केमिकल के हम मक्खियों को कंट्रोल करें, तो उसके लिए देखिए हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सफेद रंग जो मतलब पॉलीथीन में पानी भर के, और जो पशु है उससे करीब 2-3-4 फीट की ऊंचाई के ऊपर, उसके पीठ से 3-4 फीट की ऊंचाई के ऊपर, पूरी डेयरी में हम जो है कोई 10-10 फीट के डिस्टेंस में हम टांग देते हैं। जो खून चूसने वाला कीटो, जैसे कि मक्खी, मच्छर, टिक्स आदि से फैलता है। तो जब बीमार उसमें खून चूसता है, फिर जब स्वास्थ्य जनों में बढ़ता है तो उसमें बीमारी